आज जो हमारा आना यहाँ पर हुआ है उसका जो मुख्य दो तीन कारण है। पहला कारण जो है, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी करके सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी और कैबिनेट से पास की थी, उसको अभी तक वर्बली तो ये बोला जा रहा है कि हम उसको रोक रहे हैं, लेकिन रिटर्न उस पर अभी तक कुछ भी नहीं आया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्य चयन आयोग जिसके माध्यम से टीचिंग सेक्टर की सभी भर्तियाँ होती है, TGT में भी, JBT में भी कमीशन होते हैं, वो सभी पिछली 4-5 सालों से नहीं हो पा रहे हैं और हाल ही में 1.5 साल हो चुका है राज्य चयन आयोग हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ है और जो उसका प्रोसेस है उस वो बहुत ही धीमा चल रहा है। तीसरी हमारी मुख्य मांग है, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है जितने भी है सभी को आउट किया जाए और जिसमें लिटिगेशन भी है उसमें भी कुछ ना कुछ मार्ग निकाला जाए। इस तरह से लेट लतीफ़ी से हमारा जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट्स, जो मेंटली हरास हो रहे हैं, काफ़ी सालों से लगातार लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हो रहे, और जब पुराने रिजल्ट्स आउट होंगे ही नहीं तो नई भर्तियाँ कैसे आएगी? और नई भर्तियाँ जो आप लाना चाह रहे हैं वो आप कभी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल के आधार पर लाएंगे या आप गेस्ट टीचर जैसी बैकडोर एंट्रियाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं, हमारी जो एक प्रमुख मांग है कि जितनी भी भर्तियाँ हो वो सभी की सभी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स के आधार पर ही हो। देखिए सर, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है, CM साहब का कहना था कि जो ये हम भर्ती ला रहे हैं ये एक सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं तब तक जब तक हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करवा लेते। अब आप इसका एक एग्जांपल सीधा सा देख लीजिए, SMC वाले पिछली 15 साल से पैरा, पैट, ये सारे लोग आप लोगों ने लगाए, 15 साल आपने इनकी सेवाएं ली, आज भी ये अपने रेगुलर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पहली बात तो ये, आप अभी एज अ गेस्ट टीचर तो लगा दोगे, उसके बाद आप उनके भविष्य का सोच नहीं रहे हो, लेकिन 15-15 साल ड्यूटी करने के बाद भी आपको पता चलता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो उससे बढ़िया तो आप कुछ और ही कर लेते। और दूसरी बात, जब आपके पास रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स है, RNP रूल्स है, आप भर्ती सीधी क्यों नहीं करवाते हो, कमीशन के माध्यम से क्यों नहीं करवाते हो, जहाँ आपको पता है कि गुणवत्ता शिक्षा की जब आप बात करते हो वो तभी आ सकती है जब मेरिट के आधार पर प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद आप एलिजिबल कैंडिडेट्स को वहां पर रिक्रूट करें। तो गेस्ट टीचर एक बैकडोर एंट्री है और इस तरह की एंट्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फटकार दे चुका है और युवा भी इसको बिल्कुल डिनाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।